हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लेटर राइटिंग। सो सबसे पहले जानते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी इज कॉल्ड लेटर। सीधी भाषा में कहें तो एक लिखा हुआ संदेश जो हम किसी को भेजते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। अब आगे लेटर के बारे में जानें। लेटर दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। फॉर्मल लेटर इज अ टाइप of a written communication that follows a specific format and tone and is often used or officially or professional purposes. अगर हम इसे सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसा लेटर जो अनजान लोगों को लिखा जाता है जिन्हें हम जानते नहीं हैं, किसी ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस से, जैसे कोई बड़ा अधिकारी, जैसे प्रिंसिपल सर। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है। लेटर का फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आ जाएगा सेंडर एड्रेस, यानी जो लेटर भेज रहा हो उसका एड्रेस। फिर बाद में आ जाएगी डेट, यानी तारीख जिस दिन लेटर लिखा गया हो। फिर बाद में आ जाएगा रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिसे हम ये लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस। फिर बाद में आ जाएगा ग्रीटिंग्स, यानी अभिवादन, जैसे रिस्पेक्टेड मैम, सर, जो भी है। फिर आगे आएगा हमारा सब्जेक्ट, जिस विषय में हम ये लेटर लिख रहे हैं वो इस सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर बाद में आएगा हमारा बॉडी, यानी जो लेटर का सारा कंटेंट होगा या फिर मैटर वो बॉडी में आ जाएगा। या फिर हम उसे कह सकते हैं कि हम उस सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लेन करेंगे इस बॉडी के अंदर, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद है क्लोजिंग ऑफ द लेटर, लेटर की क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा यूअर सिंसियरली, यूअर फेथफुली, इस प्रकार से। तो फिर आगे आएगा सिग्नेचर, या फिर कह सकते हैं हम हमारा नाम भी लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, आज के हमने इस वीडियो में जाना कि लेटर क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में जाना, और फॉर्मल लेटर्स के बारे में जाना कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हमने देखा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।